भगवान में आनंद है, ऐसा नहीं, भगवान ही आनंद है, ऐसा है। आनंदो ब्रह्म, ब्रह्म आनंद है और उसी के सब अंश हैं। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम वेद कहता है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता कहती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सब शास्त्र वेद पुराण कहते हैं ये जीवात्मा माने हम सब लोग भगवान के अंश हैं। तो भगवान के अंश ये कहने में कम समझ में आएगा, हम आनंद के अंश हैं, क्योंकि पर्याय वाची है आनंद शब्द, हम आनंद के अंश हैं। तो प्रत्येक अंश अपने अंशी को चाहता है और उसी से प्यार करता है। मान लीजिए हमारे हाथ में मिट्टी का ढेला है, ये मिट्टी का ढेला किसका अंश है? पृथ्वी का। तो ये मिट्टी का ढेला पृथ्वी से ही प्यार करता है, क्योंकि ये तो पृथ्वी से अलग है, इसलिए अलग है कि हमारे हाथ ने पकड़ रखा है। हम अपने हाथ को छोड़ दें, अब ये अपने आप पृथ्वी खींच लेगी। यानी अंशी से अंश का नेचुरल स्वाभाविक प्रेम होता है, इसलिए हम सब आनंद चाहते हैं। तो क्यों जी, क्या संसार में हमको आनंद नहीं मिल रहा है? अरे रोज मिलता है, कौन कहता है नहीं मिलता? माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, बीबी से, पति से, रसगुल्ला से, हमको आनंद मिलता है संसार में। हाँ, लेकिन भगवान का आनंद जिसके हम अंश हैं, उस अंशी का आनंद और इस संसार का आनंद, दोनों का भेद क्या है ये समझ लो पहले। भगवान का एक नाम है सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद में एक शब्द पकड़े, आनंद, और सत चित, ये दोनों आनंद के विशेषण हैं। एक एक शब्द पर ध्यान दो, आनंद के विशेषण है सत चित। जैसे काला घोड़ा, तो घोड़ा का विशेषण है काला, ऐसे ही सच्चिदानंद में आनंद का विशेषण है सच्चित। सत माने नित्य, नित्य सदा आनंद। भगवान का जो आनंद है वो सदा रहता है, और इस संसार का आनंद सदा नहीं रहता। जिस मां को, बाप को, भाई को, बहन को आपने चिपटाया, कल परसों रोज फिर उसी की प्यास, वो भूल गया, वो खत्म हो गया आनंद, इतनी जल्दी समाप्त हो जाता है आनंद, नश्वर है, अनित्य है, और जो है भी वो भी घटता जाता है। पहला रसगुल्ला खाया, हाँ बड़ा अच्छा है, दूसरा हाँ हाँ ये भी अच्छा है, तीसरा अच्छा है, चौथा अच्छा, कृपा करो अब नोट खराब लग रहा है, उल्टी हो जाएगी। क्यों जी, रसगुल्ला में अगर आनंद है तो जो पहले रसगुल्ला में आनंद मिला था वो हर एक में मिलना चाहिए, बदल रहा है। एक माँ का बच्चा खो गया, दो दिन बाद मिला, माँ आंखों में आंसू,
और भुजाओं को फैलाए, बच्चे को चिपटाने को व्याकुल दौड़ी और चिपटाया। हा आनंद, दूसरी बार कम, तीसरी बार और कम, चौथी बार और कम, जाओ बेटा खेलो। ये क्या नाटक है जी? वो पहली बार जो आनंद मिला मां को, वो हर बार क्यों नहीं मिला? वो घटता गया। ऐसे ही स्त्री पति का प्रेम, ऐसे ही सर्वत्र समझ लीजिएगा, वो प्रत्येक क्षण घटमान प्रेम है। और भगवान का प्रेम जो है वो नित्य रहता है, घटता नहीं। प्रत्येक क्षण वर्धमानम, प्रत्येक क्षण बढ़ता जाता है, वो ऐसा आनंद है। तो संसार का आनंद आनंदाभास है, आनंद नहीं है, यानी भ्रम है। जैसे कोई कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है और उसी चबाते चबाते उसके संघर्षण से कुत्ते के ही मुंह से खून निकलने लगता है, तो अपने ही खून को सूखी हड्डी में लगा के चाटता है, पीता है और समझता है हड्डी से खून मिल रहा है। ऐसे ही हम लोग संसार में जहां पर जिससे जिसमें बार बार आनंद की कल्पना करते हैं, बस उसी से आनंद मिलने लगता है। एक भिखारिन को अपने काणे पुत्र के आलिंगन में जो आनंद मिलता है, वो पड़ोसिन के सुंदर पुत्र से आलिंगन में नहीं मिलता। हम संसार में देखते, शराबी को देखो, शराब दावत में शराब है, हाँ है, तब तो ठीक है। आज फिर दावत है, शराब है, नहीं 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 वहां शराब नहीं मिलती, अरे तो कहन जाए। ये शराबी से पूछो कि क्यों जी, तुम क्या पैदा होते ही शराबी हो गए थे? तुमने मांगा था मां के पेट से निकलते ही शराब लाओ। अजी नहीं, ये तो ऐसा है कि कुछ दोस्त लोगों ने पहले जबरदस्ती पिलाया, 10-20 दिन 10-20 महीना, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई, बिना पिए रहा ही नहीं जाता, खाना ना मिले। सबसे ऊपर स्थान हो गया शराब का, माँ बाप बेटा स्त्री पति सबसे। तो अगर शराब में सुख है, ये शराबी का कहना सही है, तो पंडित जी को क्यों नहीं सुख मिलता? वो तो देख के घिन आती है उनको, अरे क्या है बोतल में शराब, डाटती, वो तो यूं बोलता है। तो संसार में कहीं सुख नहीं है, हम जहां सुख मान लेते हैं बस वहीं से सुख मिलने लगता है। और जितनी मात्रा का सुख जिसके पाने में मिलता है, उतनी मात्रा का दुख उसके वियोग में मिलता है। और संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका वियोग ना हो। इसलिए हमने रोने को दावत दे दी, हंस करके हमने जो खुशी मनाई उसका परिणाम रोना। बाप मर गया, बेटा मर गया, बीवी मर गई, पति मर गया, कोई मर गया, क्यों रोए? उससे सुख मिलता था। कितना रोए? जितना बड़ा सुख मिलता था उतना ही बड़ा रुदन हुआ हमारा। तो संसार का सुख है ही नहीं, जो आभास है वो अनित्य है, टिकाऊ नहीं। अरे जब संसार ही टिकाऊ नहीं और प्रत्येक व्यक्ति कर्म के अंडर में है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो कहे पिता माता भाई बहन बेटा बेटी सब एक साथ मरेंगे, किसी को किसी का वियोग ना हो? ऐसा संसार में कहीं नहीं हो सकता। हाँ, आए एक साथ सब लोग जहर खा के मरे, वो बात अलग है,
तो सबका वियोग होगा यहां। इसलिए जो आनंद ब्रह्म है वो सत, उसका विशेषण है कि वो आनंद नित्य है और चित है। चित माने चेतन, ध्यान दो, चेतन। जैसे आपका ये हाथ हिला है, ये चेतन है, मर जाएगा तो नहीं हिलेगा, वो जड़ है। तो संसार का जो सुख है वो जड़ है, और जो भगवान का आनंद है वो चेतन है, देखता है, सुनता है, चलता है, फिरता है, बोलता है, सोचता है, जानता है, ऐसा है वो आनंद। इसलिए वह आनंद जीवों को भी भगवान देते हैं और स्वयं भी ग्रहण करते हैं। रसो वैसहा रसग्वम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति, वेद कहता है भगवान रस है, आनंद है, उसको पाकर उसकी कृपा से वो चेतन आनंद है। सब शरणागत जीव को भी आनंद मिलता है, वही आनंद जो भगवान के पास है। अस्तु, अब आप समझ गए कि प्रत्येक जीव आनंद क्यों चाहता है। हाँ, तो आनंद का सब उपासक है, वो धोखे का आनंद हो या असली हो, संत महात्मा असली आनंद में दीवाने हैं, हम लोग संसारी आनंद में दीवाने हैं, सब आनंद के दीवाने। और आनंद माने भगवान, इसलिए सब भगवान के दीवाने हैं, इसलिए सब भगवान के भक्त हैं। उसको भगवान न कहो, तुम आनंद कह दो। उसको बाप न कहो, मां का पति कह दो। अरे बात तो एक, तुम आनंद चाहते हो इसका मतलब भगवान को चाहते हो। अब तुम कह दो हम आनंद नहीं चाहते, नहीं ऐसा कैसे कह देंगे, तो इम्पॉसिबल। तो फिर विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक है, भगवान का भक्त है।